अली के बेटे, अली के शहजादे, अली के घर के बच्चे की शान। आपके भी बहुत सारे शागिर्द थे,
जो सरकार शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी के खुतबात में जाकर शहीद होते थे और आपका फैलाव सुनते थे, तो हमारे माशरे में भी ये चीज अक्सर पैदा हो जाती है कि अगर कोई अच्छा आदमी है तो होता ही है कि हम सोचने लगते हैं बड़ी इज्जतें उसे मिल रही है, क्या वजह है। आपस में कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में यह ख्याल हमें ये बातें आ जाती है कि आते हैं इज्जतें क्यों मिल रही हैं और वो मजहब भी नहीं कर पाते। हजरत यहाँ इतने मजा आया, बहुत सारे शागिर्द आपके ऐसे थे जो सरकार से बात की तकरीर में वाज में जाकर आपका खिताब सुना करते हैं, तो उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि तुम क्या हो गया, शागिर्द मेरे हैं, तलबा मेरे हैं, पढ़ाता मैं हूं, दस मैं देता हूं, लेकिन जब बात तो बात की आती है तो ये अब्दुल कादिर जिलानी के खुतबा सुनने चले जाते हैं, क्या मामला है, क्या वजह है। तो एक रोज उसे रानी है, उन्होंने भी तलबा को बुलाया और कहा अखिल क्या बात है, मैं पढ़ाता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें दर्ज देता हूं, तुम्हें जो समझ में नहीं आता मुझसे समझते हो, मगर बच्चे की वहां सुनने चले जाते हो। तो तलवार के मेरे रोजू ऐसा आ रहा है कि उनका खिताब भी इतना लाजवाब होता है कि हम पीछे चले जाते हैं। तो आप भी चलिए, आप भी चले, आप चल कर देखें, अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर आप वापस चले आइएगा। तब हुआ यही कैसे मैदान ने इरादा किया, मगर उन्होंने इरादा इस तरह किया कि चेहरे पर नकाब रख लिया, चेहरा ढक लिया, अपनी हालत अपनी कैफियत बदल ली और जाकर शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी के जैसे में बैठ गए जहां पर आप फरमाया। बड़े वीर आए, आप खिताब करने लगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी का खिताब हुआ तो हजरत यहया इब्न रजा फरमाते हैं कि मैं नकाब में गया था, मैं पर्दे का इहतमाम करके गया था, मगर जब अब्दुल कादिर जिलानी खिताब करने लगे तो मेरी हालत ये हुई, मेरी कैफियत ये हुई कि मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे चेहरे से नकाब हट गया। मेरी कैफियत ऐसी हुई कि मैं अपने होश में नहीं था। फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम, मैंने बहुत से लोगों के खुतबात सुने हैं मगर जो तासीर शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी के खिताब में आज महसूस की पूरी जिंदगी में आज तक किसी के खिताब में ऐसी तासीर महसूस नहीं हुई। अजीज आने मिलत इस्लामिया, आप आगे बढ़े, सरकार बड़े पीर तालीम के लिए बगदाद शरीफ गए, रास्ते के वाकयात आपने सुन रखे हैं, डाकुओं ने हमला किया, मगर बड़े पीर माने मुबाह था और जायज उनका अपना खुद का माल था, तो डाकुओं ने पूछा क्या है, तो शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी झूठ नहीं बोल रहे थे कि मेरे पास कुछ नहीं, ये अपनी मिल्कियत का माल था, उनका अपना जाति माल था जो उनकी वालिदा ने दिया, जायज माल के लिए भी हलाल माल के लिए भी शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी झूठ नहीं बोल रहे। और हमारा काम क्या है, पूरी जिंदगी नाजायज तरीके से झूठ बोल कर संभाल रहा है। अक्सर हमारे मुआशरे का हाल यही है कि हम कामयाबी समझते इस बात में कि हम तभी कामयाब होंगे जब झूठ बोलेंगे। आप महसूस करें कि शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी जायज माल के लिए झूठ नहीं बोले, सच बोला, लेकिन सच में अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई कि जब आपने सच कह दिया तो अल्लाह ने शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी के सच को टुकड़े उन्हें हिदायत अता फरमाया। याद रखें कि हो सकता है कि आपको सच बोलने की वजह से तकलीफ उठानी पड़े, आपको देर हो, कामयाबी बहुत जल्दी हासिल ना हो, मगर याद रखें जब आपको कामयाबी मिलेगी तो दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को मिटा नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती। अजीज आने मिलत इस्लामिया, इसलिए हमेशा कोशिश यही करें कि सच की राह को तैयार करके आगे बढ़े, इंशाल्लाह मास में कामयाबी मिली मिल जाए। अजीज आने मिलत इस्लामिया, शहनशाह बगदाद किसकी औलाद है, इमाम हुसैन की, असली हुसैनी सैयद है,
मौला अली के शहजादे हैं और हजरत अली की शान ये है कि मौला अली कहां पैदा हुए। प्रवेश बोलिए, मुझे ऐसा लगे कि मैं रसूलुल्लाह के शहजादों से मोहब्बत करने वालों के इलाके में मौजूद पहले मैं मोहब्बत करने वालों के दरमियान खिताब कर रहा था। अजीजान मिल्लत की इस्लामिया, मौला अली कहां पैदा हुए? काबा शरीफ। अच्छा, इसमें इख्तलाफ होता है, बाद लोग मुंशी साहब खुला बैठे हैं, बाद लोग कहते हैं नहीं नहीं पैदा हुए, बस कहते पैदा हुए। अब हम इस उलझन में पढ़ना भी नहीं चाहिए, हम लोग सीधे सारे लोग हैं और हमें लड़ना भी नहीं चाहिए इन सारे मामलात में। अली काबे में पैदा हुए हैं इस वजह से उन्हें शर्फ नहीं मिला। अली वो हैं जिन्हें इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, जिनके मकाम को नबी पाक से सदन में बुलंद करवाया। अजी तारी मिलत इस्लामी अब तारीख में मिलता कि आपकी वालदा फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ कर रही थी, अजन विरादत का एहसास जारी हो गई, आप काबा शरीफ में जाते हो गए और वही मौला अली की विरादत हो गई। शायद पैदा कसे का हो असर रसूली शहादत बकाबा विरादत मस्जिद शहादत था कि कायनात में यह शर्फ किसी को नहीं मिला कि जिसकी विरादत भी खुदा के घर में हुई हो और शहादत के असबाब भी खुदा के घर से बने हो वो जात सिर्फ मौला अली की है। अजीज आने मिल्लत इस्लामिया, अब मौला अली काबे में पैदा हुए नहीं हुए इस बात पर बहस हो रही है और कल भी लोग लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कल भी लड़ते रहेंगे, मगर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अली की औलाद, अली के शहजादे, अली की नस्ल में पैदा होने वाले शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी न जाने कितनी नस्लें गुजर गई, न जाने कितनी सदियां गुजर गई, न जाने कितने साल गुजर गए, न जाने कितने अयाम गुजर गए, कितना वक्त गुजर गया। अरे जब अली की औलाद, अली का बेटा, अली का शहजादा अब्दुल कादिर जिलानी उस मकाम पर पहुंच चुका है कि जिसके बारे में आला हज़रत खुद फरमाते हैं, क्या शान है अब्दुल कादिर जिलानी की, अली के बेटे की जब ये शान है, आला हज़रत कहते सारे ताबे जमाना करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। अरे तुम अली के बेटे, अली के शहजादे, अली के घर के बच्चे की शान ये है कि काबा आकर खुद उनके घर का तवाफ कर रहा है, तो अली की शान का इंसाफ करें। शहंशाह बगदाद के लिए काबा उनके घर का आकर जवाब कर सकता है और मौला जी के लिए कहा जाए तो साफ मानते नहीं हो, ये कैसा इंसाफ है? ये आपको फैसला करना है, हमें सोचा नहीं आगे बढ़िए। मौला अली शान क्या है? साबी कहते किसे हैं? माशाल्लाह आप तो पढ़े लिखे लोग, किसे कहते हैं साबी? क्या तारीफ होते हैं हमें, साथी उसे कहते हैं जिसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह की ज़ियारत की हो और ईमान पर खात्मा हो। ये आम बिल्कुल डेफिनेशन है, यही है शायद माशा सब बैठे हैं जिम्मेदार। जिसने ईमान की हालत में मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे की ज़ियारत की हो और ईमान पर खात्मा हुआ हो, याद रखें हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उन पर अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं और सहाबा की भी हम इज्जत और कदर करते हैं और क्यों ना करें, इसलिए कि मेरे सुन्नत व जमात रसूलुल्लाह से मंसूब हर शय से हम मोहब्बत करते हैं। मगर अब देखिए यही समझना है, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो असहाब का नाम लेकर अहले बैत के खिलाफ भौंकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अहले बैत का नाम लेकर असहाब के खिलाफ भी नासेबा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम अहले सुन्नत में हम सहाबा का भी ख्याल रखेंगे और अहले बैत से भी मोहब्बत करेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सहाबी की डेफिनेशन ये है कि जिसने हालत ईमान में हुजूर की ज़ियारत की और ईमान पर खात्मा हुआ। आप थके तो नहीं है? बात कंटिन्यू रखिए, सलाम पढ़ लिया जाए। आप तो कुछ बोली नहीं है, सलाम पढ़ लिया जाए। बोलिए बोले।
आखिर मैं पहली बार आया हूं, मुझे आपका अंदाजा भी नहीं आप कैसा सुनते हैं। ईमान की हालत में जिसमें मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत की और ईमान पर खात्मा हुआ, ये शान है सहाबा की। मगर आओ मकाम मेरे बैत देखो, आओ अली की शान देखो, फातिमा का मकाम देखो, हसन की अजमत देखो, हुसैन की फजीलत देखो। अली वो है जिनकी आंखें खुली तो सबसे पहले जिस जात की ज़ियारत की उस जात का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। सहाबी की डेफिनेशन जो दिमाग में रखिएगा, ईमान की हालत में मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखा हो, ईमान का फातिमा हो। आगे बढ़िए, फातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा साजिदा आबिदा जाहिदा, उस पाक हस्ती का नाम है कि जिनकी आंखें खुली हैं तो किसी और के चेहरे की ज़ियारत नहीं की, सबसे पहले जिस चेहरे की ज़ियारत की है उस जात का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। यही शान हजरत इमाम हसन की है, यही शर्फ हजरत इमाम हुसैन को हासिल है। अब जरा आगे बढ़े, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अहले बैत वो हैं जिनकी आंखें खुलती हैं तो मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखती हैं, आंखें बंद होती हैं तो मुस्तफा का चेहरा देखती हैं। इसलिए आपस में कंपटीशन न किया जाए, जिस तरह से हुजूर ने बताया उस तरह से कदर करते रहे तब आप कामयाब होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब देखिए सिलसिला कितना कीमती है। मुफ्ती अब्दुल्ला बैठे हैं हदीस पाक में, अस्माउर रजा जो रावी होते हैं, हदीस की सनद में मकाम अहले बैत है क्या, रसूलुल्लाह के घर वालों की शान क्या है, जिस हदीस की रिवायत की चैन, जिस हदीस की रिवायत में रावियों के अस्मा रावी अगर अहले बैत होते हैं तो फकहाए हदीस फरमाते हैं, उसूल हदीस की तारीफ में कहते हैं कि जिस रिवायत को रसूलुल्लाह के घर वाले बयान कर दें उसकी हैसियत सिलसिलतुस्सहब की होती है, यानी सबसे ज्यादा मजबूत उस रिवायत को कहते हैं कि जिस रिवायत में अस्माउर रजा रसूलुल्लाह के घर वाले होते हैं। अगर रसूल हाशमी के घर वाले रिवायत बयान कर दें तो सबसे ज्यादा सनद मजबूत। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया वही अली, क्या शान अल्लाह के रसूल ने अता फरमाई। अब देखें अली का नाम भी बड़ा पाकीज़ा है। अब तो लोग साहब कहते हैं कि किसी साहब का नाम ले लीजिए और उनके नाम से अब पुरुष हो रहा है, महफिल हो रही है, बिल्ली वाले बाबा हैं, न जाने कौन कौन से बाबा है, हर शहर का ही हाल है। अफसोस की बात है, याद रखें, इसीलिए हमारी जमात को लोग बदनाम करते हैं, हमें लोग बुरा वाला कहते हैं, हम आरास के खिलाफ पुरुष के खिलाफ नहीं है, मगर कम से कम कितना तो जरूर सोचा करें कि जिन लोगों का आप उर्स कर रहे हैं या उर्स मना रहे हैं वो उर्स करने के लायक है कि नहीं। आजकल वो लोग पीर बन गए हैं जिन्हें वजू के फराइज का इल्म नहीं है, वजू के वाजिबात का पता नहीं है, और पता चलता है कि साहब बहुत बड़े पीर साहब हैं। और फिर आलम यह होता है कि कहने वाले कहते हैं कि पीर साहब हमारे बहुत पहुंचे हुए हैं, इनका चेहरा देख ले तो जन्नत मिल जाएगी, मुरीद हो गए तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, जलसे में चले आइए तो साहब की इंतरी मिल जाती है। मगर याद रखें, जन्नत अता वही कर सकता है जो जन्नत का मालिक हो, जन्नत वही दे सकता है जो जन्नत का आसिम हो, जन्नत बांटने का इख्तियार उसी को है कि अल्लाह के रसूल ने जिसे ये कुव्वत के ताकत के पावर को दे रखा हो जो जन्नत बांट सके। आज हर कसो ना कर सकता जन्नत बांटता हुआ नजर आ रहा है, जन्नत देता हुआ नजर आ रहा है, जन्नत तकसीम करता हुआ नजर आ रहा है। मगर आओ अल्लाह के घर में मां दशरथ में जन्नत का पता बता रहा है कि जन्नत बांट कौन सकता है, जन्नत अता कौन कर सकता है, जन्नत का कासिम कौन है, जन्नत का बांटने वाला कौन है। तो ये अल्फाज मेरे नहीं है, नबियों के इमाम रसूलों के शहनशाह इरशाद फरमाते हैं, लोगों अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत, ऐ जन्नत तलाशने वालों, ऐ जन्नत मांगने वालों, ऐ जन्नत की आरज़ू में दर बदर भटकने वालों, जन्नत कोई और अता नहीं कर सकता,
जन्नत में जाना है हसनैन की गुलामी करनी पड़ेगी, अली के दर तक पहुंचना पड़ेगा। और याद रखें ये सिलसिला कयामत तक रहेगा, ये खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है। इसलिए कि कल मैदान कर्बला में कोशिश की गई, मगर अब मेरा वो मौजू ही उधर जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन है, इमाम जैनुल आबिदीन है, इमाम मोहम्मद बाकिर है, इमाम जाफर सादिक है, इमाम मूसा काज़िम है, इमाम अली रजा है, इमाम हसन अस्करी है। और ये सिलसिला आगे बढ़ा, बगदाद पहुंचा तो शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी बन गया, मेरे मौला आया तो सुल्तान मोहम्मद अता रसूल बन गया, कसौचा पहुंचा तो मखदूम समना बन गया, देवा पहुंचा तो वारिस पाक की शक्ल हो गई, और पैदाइश सैयद सालार रसूल पाक महबूब इलाही। अजीज आम मिल्लत इस्लामिया, कयामत तब तक नहीं आ सकती, याद रखे, जब तक कि कुरान से मोहब्बत करने वाले रसूलुल्लाह की औलाद के वफादार जिंदा रहे। और अजीज आम मिल्लत, मैं एक मीजान एक तराजू आपको देकर जा रहा हूं, इसलिए कि मुआशरे में नए नए आर्टिकल और नए नए पैरामीटर आ गए हैं ईमान का मुहासबा करने के लिए, मगर हम आपको बताते हैं जो उसने हाशमी ने अता फरमाया। अगर आपको अपनी महफिल में पता करना हो कि कौन अपना है कौन पराया, तो आप सिर्फ मौला जी का नाम लेते हैं, हजरत अली का नाम लें, रसूल हाशमी के गुलामों की महफिल हो और पता करना है कि कौन अपना है कौन पराया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हजरत अली का नाम लेकर देखें और आसपास वालों का चेहरा देखें, अगर अली का नाम सुनकर के चेहरा खिल जाए तो समझ लेना मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हो, चेहरा लटक जाए मुरझा जाए तो समझ जाइए गलती से आ गया। और यही नहीं बल्कि हजरत अबू सईद खुदरी से मरवी है, फरमाते हैं जब इब्तिदाई इस्लाम के वक्त बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे, हर शख्स दाढ़ी टोपी वाला अपने आप को मुसलमान कहने लगा, तो फरमाते हैं कि हमें अगर पता करना होता कि कौन अपना है कौन पराया, नमाज रोजा हज ज़कात अल्लाह वकल रसूल की सदाओं के साथ साथ, फरमाते हैं जब हमें पता करना होता कि कौन अपना है कौन पराया, तो हम उसके सामने हजरत अली की लाजिम करने लगे, हजरत मौला अली का जिक्र करने लगते, आपके मनासिब आपके फजाइल बयान करते, अगर हजरत अली की तारीफ सुन करके चेहरा खिल जाता तो हम समझ जाते रसूल हाशमी के गुलाम होते। अजीज आने मिलत इस्लामिया, मौला अली वो उस पाक हस्ती का नाम है, शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी के जद हैं, गरीब नवाज के जद हैं, मखदूम पाक के जद हैं, वारिस पाक के जद हैं, आप महसूस करें और हजरत अली के मकाम को पहचाने, इसलिए कि अली की मोहब्बत के बगैर, विलायत तो बहुत बड़ा मंसब है, ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ा ओहदा है, अली की मोहब्बत के बगैर विलायत तो दूर की बात है, बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये बात मेरी नहीं, रसूल हाशमी का नाम है अली, अली से बात का मोमिन तुमसे मोहब्बत करेगा मुनाफिक तुमसे ज्यादा होता है, अली उस पाक हस्ती का नाम है, इसीलिए तो हजरत जबला अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी, इस्लाम के दामन के पास इसके सिवा क्या है, एक जरबे इल्लाही है एक सजदे शबीर। आला हजरत, अब देखिए ना कि आला हजरत ने कितनी मोहब्बत की, सलाम पढ़ते ना मुस्तफा जान रहमत के लाख सलाम, बहुत लंबा बहुत सारे अशार है, शायद ही किसी को मुकम्मल याद हो, मगर जब फजाइल अली की बात आई ना, मौला अली की अजमत मनाकिब फजाइल की बात आई, तो सारे शरीर में बपाए अरबा जो है सबके लिए आपने चार कहे, किसी के लिए चार, किसी के लिए दो, किसी के लिए चार, हजरत बकर के लिए, हजरत उमर के लिए, हजरत उस्मान के लिए, मगर जब मौला अली की बात आई तो आला हजरत ने कमो बेश 16 अशार कहे, चार से ज्यादा किसी के लिए, उनके लिए 16 कमो बेश, क्या मतलब, मतलब जहन दे दिया कि अली है उस हस्ती का नाम जिनकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ की जाए, जिनके ज्यादा से ज्यादा मनाकिब और फजाइल बयान किए जाए,
अजीजान मिल्लत इस्लामी, बस आखिरी बात, क्या शान अल्लाह ने मौला जी को अता फरमाया। इस्लाम की तारीख में कोई ऐसी जंग नहीं है कि जिस जंग में हजरत अली ने तलवार उठाई हो दुश्मन बच कर निकल गए। तारीख में जंग बद्र हो, उहद हो, खंदक, और ये ऐसा मार्का है कि रसूल हाशमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सहाबा की मौजूदगी में ये एक तरकीब पेश की गई कि दुश्मनों से मुकाबले के लिए चारों तरफ से खंदक खोद दी जाए, गड्ढा बीच में बैठे चारों तरफ से। अब जब चारों तरफ से खंदक खोदी गई ताकि हम महफूज रहे, हम अमान के साथ सुकून के साथ रहे, दुश्मन हम पर हमला न कर सके। अब जब खंदक खोदी गई दुश्मन इस्लाम अमर बिन अब्दुल को बड़ा साथ है, बड़ा बहादुर, तारीख में मिलता है कि तना 1000 मर्दों के बराबर कमोबेश उसके पास ताकत हुआ, बहुत बड़ा पहलवान, बहुत बड़ा ताकतवर, बहुत बड़ा बहादुर, बहुत बड़ा जाबाज बोया। उसने चारों तरफ से खंदक का मुशाहिदा किया, देखने लगा कि कोई हिस्सा ऐसा नजर आए जहां से मैं खंदक को पार कर सकूं अपनी सवारी के साथ। तो मिलता है कि एक मकाम ऐसा नजर आया कि उसने देखा कि यहां से पार की जा सकती है खंदक, उसने कोशिश की, वो पार कर गया। और जैसे ही उसने पार किया तो उसने आवाज दी कि है कोई जो मुझसे मुकाबला करे, मेरे सामने आया, मुझसे जंग लड़े, मुझसे मुकाबला करे। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया सहाबा सब हमारे सरों के ताबे, हम सबसे मोहब्बत करते हैं, करना भी चाहिए, मगर सीरत के इस हसीन बाब में मिलता है कि सारे असहाब मौजूद थे मगर उस वक्त जो जात रसूल हाशमी से इजाजत तलब कर सबसे पहले खड़ी हुई, उस जात का नाम था अली मुर्तजा। हजरत अली खड़े हुए और आप मुकाबले के लिए जाना चाहते, रसूल हाशमी ने मना। दूसरी बात, तीसरी बात भी उसने आवाज दी, फिर हजरत अली खड़े हुए। सीरत में मिलता है कि जब तीसरी बार हजरत अली खड़े हुए नबी पाक सल्लल्लाहु फरमाया कि ये अमर बिन अब्दुल बड़ा ताकतवर, बड़ा अच्छे मुझे, बहुत बड़ा पहलवान है। तो हजरत अली ने अदबन अर्ज किया, या रसूलल्लाह अगर ये अमर बिन अब्दुल है तो मैं अली हूं, मैं आपका भी शेर हूं और खुदा का भी शेर हूं। मुझे इजाजत दें असदुल्लाह, आपको अल्लाह का शेर कहा जाए। अब देखिए ना कि दुनियावी शेर को देखकर हम घबरा जाते हैं, शिकार भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, पार्क वगैरह में ऐसी तस्वीर और वीडियो मिलती है। ये दुनिया के शेर, जो खुदा का शेर हो उसकी शान क्या होगी। अब जब तीसरी बार इजाजत तलब की, हुजूर ने इजाजत दी और मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद शरीफ अता फरमाया और दुआ के लिए हाथ उठाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पर परवरदिगारा आज मैंने अली को तेरे हवाले कर दिया और दुश्मन इस्लाम उमर बिन अब्दुल को अली के हवाले कर। क्या मतलब? मतलब ये है, अपने खास में बयान कर रहा हूं कि आज आज अली की जीत, तना अली की जीत नहीं, मजहब इस्लाम की जीत होगी। अली जाने मिलते इस्लाम में। अब जब हजरत मौला अली मुकाबले में निकले, बहुत बड़ा ताकतवर था, बहुत बड़ा जंगजू, पूरे अरब में उसकी ताकत का शोरा और डंडा था। जब उसने वार किया हजरत मौला अली ध्यान से उसके वार को रोका और मैं अक्सर ये सोचता हूं कि मौला जी कभी जंग में शुरुआत नहीं करते, खुद दुश्मन का हमला नहीं करते, क्या वजह है? तो आलम तसव्वुर में मौला जी के अस्ताने से रूहानियत के साथ जवाब मिला। वजह यह है कि जब जुल्फिकार हैदरी उठती थी तो दुश्मन इसराइल बचता ही नहीं था कि वो अली पर हमला कर सके। अहले बैत की खुसूसियत में से ये कि अपने दुश्मनों को भी मौका देते, देख लो तारीख के कर्बला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दुश्मन उनके घर को उजाड़ने वाले आए तो आपने मना नहीं किया। यह खुसूसियत है असली जानी मिलत इस्लामी। अब जब उसने वार किया मौला ने गाल से रोका, वो लोहे का पूरा लिबास उसने पहन रखा, पूरा सर से लेकर पैर तक पूरा खोल था, जुल्फिकार हैदरी जैसी लहराई। मौला ने वार किया तो सर से लेकर पूरे जिस्म के तलवार जुल्फिकार हैदरी दो टुकड़े करती हुई नजर आने लगी और जैसे ही तलवार ने दो टुकड़े किए, अब हदीस पाक सुने, ईमान का सवाल है,
رسول عاصمی ارشاد فرماتے ضرورت علی فی یوم الخندق اب ضرب عبارت ثقلین علی کی ایک ضرب علی کی تلوار کا ایک وار یوم خندق کے روز جو حضرت علی نے وار کیا تلوار چلائی اگر جن و انس کی ساری نفلی عبادت ترازو کے ایک پلے میں رکھی جائے اور علی کی تلوار کا ایک وار ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو علی کی تلوار کا پلہ بھاری رہے گا یہ شان ہے مولا علی آخری بات سنیں حضرت شہنشاہ مختار عبد القادر جیلانی کے حوالے سے آپ محسوس کریں شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں مگر یہ مت سوچئے گا کہ اس نے پیچھا چھوڑ دیا ہے وہ تو اللہ والوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو ہم سب تو عام انسان ہیں شہنشاہ مختار عبد القادر جیلانی آپ سنیے اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف ایک روشنی طلوع ہوتی ہے اجالا عجیب سا نور نظر آتا ہے جب آپ اس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں آواز آتی ہے عبد القادر آج سے تیرے لیے جو چیزیں حرام تھی وہ بھی حلال ہو گئی جو حرام تھی وہ بھی حلال ہو گئی ہیں شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی ہے اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ وہ سے اعظم درمیانی ہو گیا جو محمد درمیانی ہو گیا شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کا مقام اولیاء کی جماعت میں اسی طرح سب سے زیادہ نرالا نظر آتا ہے جس طرح انبیاء اور رسولوں کی جماعت میں محمد رسول اللہ کا مقام نکلا ہے جب اسے یہ بات کہی تو شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا شیطان پلیز عزیزان ملت اسلامیہ جب آپ نے اسے جواب دیا تو معلوم اس نے کہا کہ یہ وہ مقام تھا جہاں میں نے کب وہ بیش 70 ابدال کی ولایت کو ختم کرنے کا مسئلہ ہوتا مقام ابدال کی حدت چھین لیا گیا یہ وہ مقام تھا جب آپ نے جواب دیا آپ سمجھ گئے تو معلوم اس نے کیا کہا پھر اس نے دوبارہ چال چلی کہا عبد القادر آج مجھے تیرے علم نے بچا دیا اس لیے کہ یہ علم جو ہے کبھی کبھی اس کا بھی تصور ہو جاتا ہے نسبت علم جب سوال ہوتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور کس کے در پر آ کے کھڑے جب اس نے یہ بات کہی کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی سمجھ گئے کہ یہ نئی چال ہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں مجھے میرے علم میں نہیں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت نے بچایا یہ شان ہے اس لیے ہمیشہ کوشش اس بات کی کرتے رہے کاوش کرتے رہے کہ ہمارا چلنے والا کوئی قدم ایسا نہ ہو جو رسول ہاشمی کی سیرت کے قدم اور حضرت ایک بات میں اور کہتا چلوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اثاثہ دیا ہے حدیث پاک جو میں نے بولے قرآن اور اہل بیت یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے یہ وہ سرمایہ ہے یہ وہ خزانہ ہے یہ وہ دولت ہے کہ جب تک رسول اللہ کے غلام اس دولت سے وابستہ رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ ہمیشہ اس بات کی فکر میں لگے رہے بولنے والا کوئی ہو کہیں کا ہو تقریر باز و نصیحت کہیں سے کرنے والا ہو مگر ہمیشہ یہ دیکھیے گا کہ اس کی باتیں کہیں ایسی تو نہیں ہیں کہ جس وجہ سے ہم رسول اللہ کی اہل بیت کے در سے دور ہونے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے دوری تو نہیں بنتی چلی جا رہی اس لیے کہ شیطان کسی بھی شکل میں آ سکتا کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے اور شان یہ ہے اعلی حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سب نہیں ہونے والا اگر نشانی اختیار کر لی تم نے تو دنیا کی کوئی طاقت
दुनिया का कोई पावर, दुनिया की कोई हुकूमत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस जरूरत इस बात की है कि रसूलुल्लाह के साथ साथ उनकी अहले बैत की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में डाल लो। ये वो कीमती असासा है, ये वो कीमती दौलत है, ये वो कीमती खजाना है कि दुनिया नहीं, मरने के बाद कब्र में और कब्र के बाद महशर में भी उठाए जाओगे तो मौला अली पहचान लेंगे, इमाम हुसैन पहचान लेंगे, शहंशाह बता तो खालिद पहचान लेंगे। इसलिए गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में डाले ताकि कोई तुम्हें बहका ना सके। अल्लाह ताला हम सब को कहने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए, और जब तक दुनिया में रखे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाकर रखे और पहले बैस से मोहब्बत करने वाला बनाकर रखे, वो हम अभी तो नसरा हो रही है।